हेलो एवरीवन, भाइयों और बहनों, अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हो, क्लास 11 में हो और वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़ते हो, तो आप सभी के लिए एक लेटेस्ट नोटिस है। ध्यान से सुनिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। भाइयों और बहनों, वेस्ट बंगाल काउंसिल ने अभी अभी एक नोटिस रिलीज किया है, जिसमें काउंसिल ने कहा है कि जितने भी स्कूल वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंदर में है, ठीक है, जिनका स्कूल में भी क्लास 11 का एग्जाम अभी होने वाला है 13 सितंबर से, सारे स्कूल को वेस्ट बंगाल काउंसिल ने एक फॉर्मेट दिया है ओएमआर शीट का, और कहा है कि अगर पॉसिबल हो तो आप लोग इस फॉर्मेट में ही स्टूडेंट्स का एग्जाम लीजिए, जिससे कि स्टूडेंट को क्लास 12 में, क्योंकि जब आप सेमेस्टर 3 में जाओगे, क्लास 12 में जाओगे, तब तो आपको ओएमआर शीट में ही एग्जाम देना है, काउंसिल तो ओएमआर शीट में ही एग्जाम लेगा। तो वेस्ट बंगाल काउंसिल ने अपने स्कूल्स को, जितने भी स्कूल काउंसिल के अंदर में, सारे स्कूल को यह सजेस्ट किया है कि आप लोगों भी ओएमआर शीट में ही एग्जाम लीजिए सेमेस्टर 1 का। तो भाई और बहनों, आप सभी के स्कूल में प्रोबेबली ओएमआर शीट में ही एग्जाम होगा। तो भाई और बहनों, ओएमआर शीट कैसे फिलअप करते हैं, किस तरह से फिलअप करते हैं, कैसा फॉर्मेट होगा ओएमआर शीट का, ये सारे चीज के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा। तब तक के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप ऐड हो जाइए, वहां पर हम लोग आपको जो सैंपल काउंसिल ने दिया है वो सैंपल आपको भेज देते हैं, वहां से आपको देखने में सुविधा होगा कि किस तरह का पैटर्न, किस तरह का ओएमआर शीट रहने वाला है वेस्ट बंगाल काउंसिल का। और फ्री क्लासेस भी मैं क्लास 11 कॉमर्स के लिए स्टार्ट करूंगा 15 अगस्त के बाद। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, फास्ट फटाफट शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, एकदम धमाकेदार तरीका से शेयर करो भाई, धमाकेदार, ठीक है।